हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। जो सुबह सुबह का दिन है और मैं पहुंच गई वन दफ्तर की फॉर्म सबमिशन की लाइन में। देख सकते हो कितना लंबा लाइन है, मतलब इतने सारे लोग आए थे ना, मैं तो कहती हूँ प्राय 50,000 लोग आए थे फॉर्म सबमिशन के लिए। पोस्ट इतना नहीं है लेकिन इतना लंबा लाइन है। और टेम्परेचर पता है कितना है, टेम्परेचर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस। और ये मैं फॉर्म सबमिशन के बाद गेट से निकल गई, यहाँ पे भी लंबा लाइन है, ये देख सकते हो। ये जो फॉर्म फिलअप है ना, ये वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। वन दफ्तर जो होता है फॉरेस्ट ऑफिसर, उसमें रिक्रूटमेंट है, तो इसके लिए इतना ज़्यादा लंबा लाइन है। ओके, और यहाँ पे मैंने अपना गाड़ी पार्क किया था, स्कूटी पार्क किया था, उसको पकड़ के मुझे जाना है अपना मेस। और ये दिखाई दे रहा है मुझे मेरा स्कूटी, तो चलो इसको पकड़ के चलते हैं। बाकी का ब्लॉग देखते रहना। और ये देख रहे हो मेरी हालत, 40 डिग्री टेम्परेचर में धूप में। और ये मैं चल पड़ी अपने मेस के लिए, क्योंकि जाके खाना भी बनाना है। और अभी तो मतलब दोपहर के शायद 2:30 बज चुके थे और मैंने खाना बना कुछ भी नहीं बनाया, तो ये मैं थोड़ा सा स्वेट दिखाते हुए अपना मतलब बाइक चलाते चलाते स्कूटी चलाते चलाते फ़ोन एक हाथ में पकड़ के, देख रहे हो कितना मतलब ये धूप है जो कैमरा में भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, और ये इसके सामने बैठता है मैप का दुकान, और इसमें सस्ता सस्ता मैप मिल जाता है। जो दुकान से आप खरीदोगे उससे, अगर दुकान से आप 100 में खरीदते हो तो इसमें थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन मैप का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ओके, ये मैप में बहुत अच्छे से इसको पैक करके देते हैं प्लास्टिक के अंदर, और इसमें सब है, वेस्ट बंगाल का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, 7 महादेशों का मैप है, सब कुछ यहाँ पे है। और मैंने इसमें से एक वेस्ट बंगाल का मैप लिया बंगाली में, उसके बाद एक वर्ल्ड का मैप लिया और एक इंडिया का मैप लिया। मेरे पास इंग्लिश में भी अवेलेबल था और मैंने इसको बंगाली में भी ले लिया, क्योंकि मदर लैंग्वेज में पढ़ने के लिए ईजी होता है। से मैंने एक फिजिकल ज्योग्राफी का मैप लिया, उसमें सारे माउंटेन सारे रिवर्स बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छे से। इसमें इंडिया में कौन सा माउंटेन पड़ता है, कौन देश में कौन सा पर्वतमाला कौन देश में आता है, बहुत अच्छे सब कुछ डिस्क्राइब था फिजिकल ज्योग्राफी के मैप में। मैं तो कहूँगी जो भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम पढ़ते हो आप लोग, एक फिजिकल ज्योग्राफी का मैप अपने पास ज़रूर रखना। के बाद आने के बाद ही मैंने बनसोहा का एक फॉर्म जो था उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे सबमिशन करना है। आपको जाके DFO जो आपका होगा वहाँ पे, बाद नहाने के बाद इतने गर्मी में मुझे, मैंने खाना भी बना लिया था, सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ 40 डिग्री के टेम्परेचर में बाहर से आने के बाद। उसके बाद ये सब अपना खाना बनाने के बाद, ये देख लो मैंने यहाँ पे चावल बनाया। ओके, उसके अंदर आलू दे दिया, तो बहुत अच्छे से आलू दूध भात कहते हैं जिसको बंगाली में, दूध आलू भात है, वो हो गया मेरा बहुत सिंपल। और ये मैंने घर से लेके आया था, मेरे घर के यहाँ पे आम बहुत बड़े बड़े और बहुत टेस्टी भी थे ये आम। ओके, और ये मैं अंडा फ्राई कर लूँगी, बस 2 अंडे फ्राई कर लूँगी तो बहुत अच्छे से एक ऑमलेट बन जाएगा। और दोनों अंडे फ्राई करके ऑमलेट खाने पे मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि टेस्ट भी बहुत होता है, एक से अच्छा नहीं लगता उतना। प्रॉब्लम ये मेरा, मैं कभी पूरा अंडा नहीं उठा पाती, ये भुर्जी बन जाता है अंडे का। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखना लंका दे दिया और ऑयल दे दिया, क्योंकि आलू को थोड़ा सा उसको क्या चोखा बनाना था इसलिए। और ये है दूध आलू भाते वेत आम, ये है अंडा भुर्जी, और ये आलू भाते, और ये आम और दूध भाते। बहुत अच्छा, मतलब सिंपल अगर चाहते हो ना तो ऐसा खाना बनाना, एकदम सिंपल लाइफ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा कुछ अगर नहीं करने का है, बस दूध आलू भाते कर लो, बस टेस्टी खाना भी है, हेल्दी खाना भी है, और क्या चाहिए बस। उसके बाद थोड़ा सा सो गई थी खा के, उसके बाद मैं शाम को पढ़ने बैठ गई, और ये देख रहे हो मेरी हालत की वहाँ सा है,
सकते हो कि बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद दोपहर में शाम को ऐसा बारिश होना तो बनता ही है। मैं तो प्रेयर करती हूँ आप ऐसा बारिश डेली करो भगवान। और ये मैं रात को मैगी बना दिया, क्योंकि दोपहर में इतना चावल सब कुछ खा लिया था, तो रात को हल्का फुल्का खाना जो है हम लोगों स्टूडेंट के लिए मैगी, ये वरदान है, वरदान हम लोगों के लिए वरदान। इसी के साथ मैं करती हूँ मेरे मिनी ब्लॉग को एंड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा बोलना।